नमस्कार। ये सवाल आ रहा है किसी विपुल शेखर जी का है कि सर मेरी जन्म 17 तारीख है, क्या मैं बैटिंग कर सकता हूँ क्या? ये एक स्वाभाविक सवाल है जो कंटिन्यू आते रहते हैं, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं। तो आज मैं सोचता हूँ शॉर्ट वे में, ब्रॉड वे में दूंगा तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। शॉर्ट वे में सबके मन में ये क्वेश्चन वाजिब होगा कि क्या मैं बैटिंग यूं ही कर रहा हूँ, अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो क्यों ना छोड़ दिया जाए अगर मैं बैटिंग लायक नहीं बनाऊँ। तो मेरा जो मानना है, मैं शुरू करता हूँ। ये सबको पता है कि 9 ग्रह होते हैं आकाश में, 9 ग्रह होते हैं। थोड़ा सा बेसिक ज्योतिष की बात कर लेते हैं। 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता ही पड़ता है, ये रिसर्च में प्रूफ हो चुका है। अब रिसर्च हम लोग वो मानते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किया, वो हम लोग कम मानते हैं, लेकिन फॉरेन से अगर किसी बंदे ने हमको स्टम्प लगा के दे दिया, जैसे अमेरिका में कुंड चोरी होती है तो उसकी कुंडली भी बनती है। थाने में अगर 100 चोरी का रिकॉर्ड हुआ तो उन 100 कुंडली को बकायदा डेट टाइम से मेंशन किया जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितनी कुंडली में चोर पकड़े गए, कितनी कुंडली में बरामदगी हुई, कितनी कुंडली में बिल्कुल भी नहीं मिला माल, चोर बिल्कुल भी पकड़ा नहीं गया। इस ढंग से बकायदा डाटा रख कर वो लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पैसा है, मेहनत करने वाले हैं, उनके पास गिफ्टेड ज्ञान नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों के पास समझ लो अंतर्दृष्टि थी, उनको गॉड गिफ्ट था। उन फॉरेनर्स को गॉड गिफ्टेड नहीं है, लेकिन वो लोग मेहनत करके एक पॉइंट पर रिसर्च करते जाते हैं। तो ये रिसर्च का ही सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ग्रहों के संग, वो आपके संग शेयर कर रहा हूँ। वे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का एक नंबर है, एक नंबर से शुरुआत करते हैं। एक नंबर सूर्य का आता है। अब सूर्य का नेचर समझते हुए, सूर्य किस ढंग का नेचर का होता है इसको नहीं जानते हुए, अगर बैटिंग में उनको एक लाइन में कहा जाए तो उनको कभी भी बड़े अमाउंट का सौदा नहीं करना चाहिए। बड़े अमाउंट का सौदा उनको अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट बैटिंग ठीक है, टाइम पास बैटिंग ठीक है, लेकिन वो बैटिंग के लिए नहीं बने हैं। मैं कई बार बोलता हूँ शनि वालों का काम है ये, सूर्य वाले बैटिंग कर सकते हैं लेकिन छोटा मोटा, उनके छोटा मोटा करेंगे तो पैसा आएगा, जिस दिन आप बड़ा सौदा करोगे उस दिन पैसा लगेगा। ये एक आपके संग जुड़ा हुआ है। आप ये जो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है, या जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख है, या जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 19 तारीख है, तो इनका एक कंक्लूजन एक नंबर आ जाता है, एक नंबर वालों के लिए। अब ये एक जनरल है, सिर्फ इसी, ये एक कॉमन चीज़ है, लेकिन कभी कभी हो सकता है बड़े अमाउंट में भी कमा लो, लेकिन ज़्यादा बार जो होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपकी कुंडली में ही अगर कुंडली बनाई जाए, कुंडली में शनि प्री डोमिनेंट आ रहा है, अच्छी पोजिशन में आ रहा है शुक्र, तब आपको बैटिंग में कैरियर बना सकते हो। लेकिन मैं जो भी बात कर रहा हूँ जनरल बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से बात कर रहा हूँ, इस बात को आपको समझना चाहिए। सेकेंड नंबर आता है मून का। चंद्रमा जो होता है वो बहुत ज़्यादा दिमाग को विचार लाता है, तो थॉट्स लाता है। तो आप जब बैटिंग करो तो आप विचार आएगा, और चूंकि डर ज़्यादा लगता है चंद्रमा वाले को, मून वाले को, इसलिए उनको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएगी। तो बेटर रहेगा कि आप क्विक अपनी बैट को सेट करके निकल जाओ। आप बहुत ज़्यादा अगर देर रहोगे, 3 घंटे तक मैच देखोगे, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई एक नेगेटिविटी आएगी और उस दिन ही आप कबाड़ा कर लोगे। इसलिए मेरी एडवाइज़ है मून वालों को, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है, या फिर 20 तारीख है, या फिर 11 तारीख है, 1 तारीख, 11 तारीख और 20 तारीख, किसी भी मंथ की 1 तारीख और 11 तारीख और 20 तारीख को अगर आपका जन्मदिन है, तो आप 2 से इम्प्रेस होते हो, 2 ग्रह होता है, 2 से कंट्रोल्ड होते हो, 2 ग्रह, 2 का नंबर मून होता है। मून वालों के लिए बैट में बहुत ज़्यादा बैठने से वो नेगेटिव थॉट आ जाएंगे, इसलिए उनको कटिंग करके निकल जाना चाहिए। 3 नंबर आता है, 3 नंबर आता है बृहस्पति का। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो उनको सबसे जो माइनस पॉइंट होता है इस ग्रह का, वो छोटे नहीं सोच सकते। जैसा 1 नंबर वालों के लिए मैंने स्ट्रिक्टली मना किया कि बड़ा बैट नहीं करना चाहिए, लेकिन 3 नंबर वालों के लिए, 3 नंबर है जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3 3 है, 3 का मूलांक क्या होगा, जिनका भी 12 हो गया, 12 जिनका भी 12th को डेट हो गया, और जिनका भी 21st को हो गया, 3 तारीख, 12 तारीख और 21st को, 3 दिन जिनका भी बर्थडे रहता है उनको, सॉरी ये 30 तारीख भी आ गया उसमें, 30 तारीख मतलब 3 तारीख हो गया, 3 तारीख जिनका डेट ऑफ बर्थ है 21 तारीख, 2+1=3 हो गया, और
12 तारीख 1 + 2 इसके लिए 3 हो गया और 30 तारीख हो गया। इन चार डेट्स में जिनका भी बर्थडे होता है वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बैट के समय। उनको लगता है कि आज मैं जिस टीम पर चढ़ गया हूँ तो वो टीम तो जीतना ही है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो कई बार मात खाते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस है, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आने दें, और आप छोटा नहीं करोगे, आप बड़ा ही सौदा करोगे, आपको कितना ही कहा जाए, तो आप बड़ा सौदा करो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत पैसे दे देना, ये आपको ध्यान रखना है। चार नंबर यानी केतु, केतु मतलब सूर्य का एक तरह से नीच पार्ट, तो इनको मेरी एडवाइज है 4 नंबर 13 नंबर वालों को, प्लस 31 तारीख, 31 तारीख मंथ में 6 साल में 6 बार आती है या 5 बार आती है, 31 तारीख और 22 तारीख, 4 तारीख 13 तारीख 22 तारीख और 31 तारीख को जिनका बर्थडे है उनको मेरा एडवाइज है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग के अलावा आप किसी भी टीम पर मत जाएं। आपको 70 में खाना है, उस 70 में लगाना है, आप जितना ट्रेड कर सकते हो एक ही मैच में, सिर्फ एक बार ही नहीं, एक ही मैच में आप 3 बार 4 बार 5 बार भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपका कैलकुलेशन सही रहता है तो आप ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो, लेकिन विन में आप जिस दिन खेलने जाओगे, विन में खेलने जाओगे मतलब आज ज़्यादा पैसा लूंगा, उस दिन आपका गड़बड़ होगा। इसलिए शॉर्ट शॉर्ट थोड़े थोड़े पैसे का आपका जोग है वो कंटिन्यू आप ले सकते हो। एक मैच में थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप देखोगे किसी मैच में बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है। 5 नंबर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर, 5 नंबर बुध का है, बुध बुध वाले को माइनस पॉइंट ये है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस होते हैं, तो उनको मेरी एडवाइज है 5 नंबर मतलब 5 नंबर 14 नंबर जिनका 14 तारीख है और जिनका 23rd को है, 23rd को जिनका बर्थडे है, 14 तारीख को जिनका बर्थडे और 5 तारीख को जिनका बर्थडे है, वो उनको मेरे एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा आप सीट पर आपको नहीं बैठना है, आपको बेसिक फार्मूला तो अप्लाई करना है, ट्रेडिंग तो करना ही है, लेकिन आप एक बार प्लस होते ही आप सीट से उठ जाओ, क्योंकि आप पैशेंसफुली नहीं बैठ सकते। तो आप अगर पैशेंसफुली नहीं बैठ सकते तो आप फिर सौदा करोगे, फिर सौदा करो तो किसी एक सौदे में आप फंस सकते हो। इसलिए मेरी एडवाइज़ है कि इनको सीट छोड़ देना चाहिए जैसे ही वो, जैसे उनकी बुक प्लस होती है, 5 ओवर 10 ओवर 15 ओवर जैसे ही आपकी बुक प्लस लाइक होती है आप प्लस करके आप सीट को छोड़ दो। बहुत ज़्यादा बुकियों को फ़ोन नहीं मिला क्योंकि फ़ोन आज काम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी आईडी को खोलना, कुछ लोग होते हैं कि सारे गेम ही खेलते हैं, कुछ लोग होते हैं सारे मैच ही खेलते हैं, उसमें प्री डोमिनेट अगर देखोगे तो 5 नंबर वाले हैं, 5 नंबर वाले खाली नहीं बैठ सकते। ये कुछ हद तक प्लस है लेकिन बैटिंग में आपका जहाँ 1 मिनट भी वे ग्रह कंटिन्यू घूम रहे हैं, हर 1.5 मिनट में ग्रह घूम जा रहे हैं, तो आप 1 घंटे के दरमियान पूरे एक तरह से ग्रहों की पूरी साइकिल हो गई, तो हर साइकिल आपके लिए प्लस की नहीं है, 1+1-2+1- ऐसे करके साइकिल चलती है। केपी जो थे, कृष्णमूर्ति थे, उन्होंने अपने दोस्त के ऊपर रिसर्च किया था, दोस्त को दोस्त को 3 पत्ती उन्होंने खिलवाया था, खुद बैठते थे सीट पर, खुद भी खेलते थे और दोस्त को वाच करते थे कि ये किस किस टाइम में जीत रहा है और किस किस टाइम में हार रहा है। उनकी कुंडली बकायदा कुंडली सामने थी, और कुंडली का बकायदा हर मिनट मतलब अभी अभी मान लो 2 बजा है तो 2 बजे कौन सा ग्रह चल रहा है, 2:05 पर कौन सा ग्रह आ रहा है, क्योंकि दशा दशा को भी तोड़ा जा सकता है, ज्योतिष के स्टूडेंट समझ रहे होंगे, दशा को आप जितना तोड़ रहे हो और तो उसका सूक्ष्म पार्ट, माइनर पार्ट, माइक्रो माइक्रो पार्ट निकल जाता है, 5 मिनट 3 मिनट, अभी 4 मिनट में मंगल चला गया, फिर 2 मिनट में राहु आ रहा है, इस ढंग से वो बकायदा देखेगा कि कुछ टाइम में ये जीत रहा है, कुछ टाइम में ये माइनस आ रहा है, तो जब जब वो कुछ टाइम आएगा तब तब वो बंदा जिसमें जीता था वो जीतेगा, और जब जब वो ग्रहों जिसमें माइनस हुआ था वो हमेशा हारेगा। ये एक रिसर्च की फाइंडिंग होती है, जो भी केपी जानते हैं सब 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 लोगों की इसी ढंग से रिसर्च की फाइंडिंग होती है। तो आपको प्लस वाले जो सिम्टम्स हैं वो आपको जिताएंगे, उस जिताने में ही आप 5 नंबर वाले उठ के खड़े हो जाओ, नहीं तो आप फिर गलती करोगे, वो आपको जैसे नेगेटिव प्लैनेट्स में आपने बैटिंग की मेरे पर वो आपको माइनस में, आपको फिर बुक माइनस हो जाएगी, और एक बार माइनस हो जाएगी तो आप बेचैन हो जाओगे, और फिर उसको प्लस करने के लिए पता चलेगा अब आप इधर लगा दिए, पहले इधर माइनस था, अब आप इसको कवर करने के लिए इधर लगा दिए, पता चला उसी दिन वो भी बैंड बच गया, मतलब उस दिन अप डाउन हो जाएगा, आप बुक में फंसते जाओगे। मैंने ऐसे बहुत लोगों के 5 नंबर वालों की बुक देखी है कि शुरू शुरू में दोनों तरफ 3-3 हजार माइनस था, लेकिन अब उस 3 हजार को माइनस को कवर करने के लिए उन्होंने 10 हजार का सौदा किया, तो उधर ज़्यादा माइनस हो गया, गेम अप डाउन हो गया, फिर उधर के पता चला कि 40 हजार माइनस होकर उठे, ऐसा मैंने देखा हुआ है। 6 नंबर वाले, 6 नंबर वाले शुक्र के होते हैं, शुक्र मतलब आपका एक क्लास है बैटिंग के लिए, सबसे अगर प्लस कहा जाए कि इस लाइन में बैटिंग सबसे ज़्यादा आप एडवाइस किसका देते हो, तो मैं बोलता हूँ शुक्र वालों को,
अब ऐसा नहीं कि शुक्र वालों 6 नंबर वाले सुन गए, 6 नंबर 15 नंबर 15 तारीख और 24 तारीख, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख है, 14 तारीख, 15 तारीख है और 15 तारीख है और 24 तारीख है, 24th है। ये 3 वालों को मैं बेटिंग एडवाइस देता हूँ कि आप सीरियसली इसको सीखने लायक बना सकते हो। सीखने के बाद इसको करियर आपका ज़्यादा आसानी से बन सकता है बनिस्बत दूसरों के, दूसरे नंबर वालों के लिए। किसी के लिए बन सकता है, लेकिन 6 नंबर वालों को थोड़ा सा ज़्यादा एज मिलता है। आप अच्छे ट्रेडर साबित हो सकते हो, ट्रेडिंग आपको, आपके अंदर एक इंट्यूशन आएगा, आपको लगेगा कि मेरी टीम इतने पैसे जरूर मिलेगा, तो आपको उसको अप्लाई करना चाहिए, उसको मेडिटेशन करके अपना स्किल बढ़ाना चाहिए। ट्रेडिंग नहीं करोगे उस दिन पैसा लग सकता है, ट्रेडिंग में आपको एडवाइस देता हूँ। 7 नंबर वालों, 7 नंबर वालों के लिए राहु होता है। राहु सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ग्रह है। राहु के कारण आप कई बार, आपको पता रहता है कि ये टीम मेरी होगी, लेकिन आप खेल जाते हो उल्टा। सुबह सोचते हो कि आज बॉलिंग पकड़ के चलूंगा, और जब सीट पर बैठते हो तो भाव देखकर किसी भी तरह का, राहु चूंकि लालची ग्रह है, आपको लगता है कि है अभी तो ये भाव होना चाहिए, बुकिंग चोर भाव दे रहा है, या बेटफेयर या जो ऑनलाइन आईडी उसमें चोर भाव मिल रहा है, तो एक बार ये कर लेता हूँ। इस ढंग से खेलना चाहते हो कुछ और खेल लेते हो कुछ और, ये आपको ध्यान रखना है। आपके लिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है 8 नंबर। 8 नंबर मतलब शनि का ग्रह। 8 नंबर 17 तारीख और 26 तारीख, ये 3 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, उनको मेरे हिसाब से उनका भी एक इंट्यूशन पावर है। शनि थोड़ा सा मेडिटेशन करने से आपका शनि बहुत अच्छा हो सकता है, आप वो देख सकते हो जो और लोग नहीं देख सकते। ये शनि की खास बात होती है कि उनको अंधेरे में भी दिख जाता है। अंधेरे में भी दिख जाता है मतलब उनको दिख जाता है, अगर क्रिकेट मैच में हो तो कि यहाँ विकेट जाने वाला है। वो कोई पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उनको एक आभास होने लगता है। दूसरे लोगों के बनिस्बत उनको ये आभास ज़्यादा होता है। उनको मेरी एडवाइस है, उनको ड्रिंक बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर वो ढंग से मेडिटेशन करें तो अपनी स्किल को वो बढ़ा सकते हैं। जिस जो भाई साहब हैं विपुल शेखर जी, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ही 17 तारीख है। 17 तारीख के हिसाब से आपका शनि है। आप ड्रिंक नहीं करते हो, कोई भी तरह की गलत हैबिट नहीं करते हो, आप थोड़ा बहुत 5-10 मिनट से मेडिटेशन करते हो रोज, तो धीरे धीरे आपको आभास होने लगता है कि हाँ आज मुझे इस टीम पर बैटिंग करनी चाहिए, और वो टीम एक बार जरूर धाव में आती है और आप उसमें कटिंग करके निकल जाते हो। 9 नंबर आता है। 9 नंबर आता है मंगल का। 9 नंबर मतलब जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 9 नंबर है, 27 तारीख जिनके भी है और जिनका भी 18 तारीख है, ये इनका मूलांक 9 होता है। 9 नंबर से आपको माइनस पॉइंट ये है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैटिंग करते हो। कई लोगों को मैंने वन साइडेड बैटिंग करते हुए देखा है कि एक टीम पर चढ़ गए हैं तो जब तक वो टीम 10 पैसा नहीं आ जाती वो टीम पर चढ़े रहते हैं, तो इसको एग्रेसिव बैटिंग बोलते हैं। तो ये नेचर होता है, मैं आपको अपनी नेचर छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आग को ये नहीं बोलूंगा कि आग तुम ठंडी हो जाओ, पानी की तरह काम करो, लेकिन पानी को ये नहीं बोलूंगा कि तुम हवा की तरह बहना शुरू करो। सबका एक नेचर होता है, तो उस नेचर के अनुसार आज इंसानों काम करना चाहिए। आपका जो नेचर है उसी को स्किल करके आप उसको प्लस कर देना है। तो आपकी एग्रेसिव बैटिंग आपकी खास बात है, लेकिन आपको कटिंग करते करते एग्रेसिव बनना है। आप 80 में लगाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको तुरंत ही 60 में खा कर एक बार बैठ जाना है। फिर भले ही आप फिर 58 में लगा दो, 80 में खाए हो 60 में एक बार उतार दो। 20,000 सपोज एक पेटी 80 हज़ार में लगा रहे हो, 80 पैसा में लगा रहे हो, तो अब 60 में एक बार एक पेटी वापस काट लो। फिर चाहे आपको समझ में आ रहा है तो एक बार 58-55 पैसा में फिर एक पेटी लगा दो, फिर उसको 45 पैसा में काट दो। इस ढंग से आप एग्रेसिव खेल रहे हो, लेकिन करते करते आपका भले ही रिस्क बड़ा है, लेकिन आपका बुक अच्छा होता जाएगा। ये मेरी एडवाइस है। बाकी वीडियो 15 मिनट हो रहे हैं, एंड करता हूँ। आई होप जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। पूरी तो आपको प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करोगे। जो लोग ज़्यादा डिटेल चाहते हैं वो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में ऐसे कुछ वीडियोस हैं मेरे पुराने जो ज्योतिष रिलेटेड है, वो मैं आपको टेलीग्राम में डालता रहूँगा। सब्सक्राइब कर देना, घंटी का बटन देख लेना ऑन है कि नहीं है, ऐसे कुछ वीडियो कंटिन्यू आएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।